हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, एमसीक्यू टेस्ट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल चाहिए तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो फसलों के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ये कौन कौन से होते हैं, फसल कौन कौन सी होती है। तो देखिए, ऋतुओं के आधार पर जो फसल होती है उसको तीन भागों में बांटा जाता है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब इन तीनों के उदाहरण क्या क्या हैं और ये कब बोई जाती है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल ऐसे याद रखिए कि ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, ये ग्रीष्म ऋतु की है, और रबी की फसल है वो शीतकालीन की है। आप ये दो चीजें याद रखेंगे, खरीफ की फसल क्या है, ग्रीष्म ऋतु की फल है, और जो रबी की फसल है वो शीतकालीन है। तो देखिए, फसल जो है वो तीन प्रकार की है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ये किसके आधार पर है, ये ऋतु के आधार पर है, यानी कि कौन सी ऋतु के अंदर कौन सी फसल बोई जाती है उस आधार पर। तो तीन प्रकार हो गए, खरीफ, रबी और जायद। सबसे पहले खरीफ की फसल, ये फसल जून से आरंभ होकर अक्टूबर महीने तक होती है। यहाँ पे ध्यान दें, जून, जून में क्या होती है, गर्मी होती है। तो हम ये अभी क्या बोले थे, खरीफ की जो फसल होती है वो क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कब से कब बोई जाती है, जून से लेकर अक्टूबर तक बोई जाती है। अब इसके उदाहरण देखिए, धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द आदि क्या है, खरीफ की फसल है। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द ये किसके उदाहरण है, खरीफ की फसल के उदाहरण है। फिर है रबी की फसल। अब रबी की फसल जो है, ऐसे याद रखिए कि ये सर्दियों की वाली जो फसल होती है उनको हम बोलते हैं रबी की फसल, यानी कि शीतकालीन जो है उस प्रकार की जो फसल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रबी की फसल। नवंबर से अप्रैल ये कौन से महीने होते हैं, ये शीतकालीन वाले होते हैं, नवंबर से स्टार्ट हो जाती है, नवंबर दिसंबर से और जनवरी फरवरी मार्च तक चलती रहती है। तो इस इन महीनों के अंदर जो बोई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं। अब उदाहरण की बात करते हैं, सबसे पहले माइंड के अंदर आता है गेहूं, और यहां पर क्या आता है, बाजरा। बाजरा गर्मियों में तो बोया जाता है, ग्रीष्म में, तो यहां पर गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी, रबी की फसलें हैं। कौन कौन सी, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है और अलसी है, जो क्या है, रबी की फसल है। भारतवर्ष की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त अन्न उत्पादन, अनाज खरीदने के लिए धन उपलब्धता अर्थात खाद्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा योगदान जो है, जो हमारे खाद्य सुरक्षा वाली जो है, हमारे को खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा योगदान करती है वो क्या करता है, गेहूँ। गेहूँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है। फिर है जायद की फसलें। इस वर्ग की फसलों में गर्म शुष्क मौसम को सहन करने की क्षमता होती है। कौन सा, गर्म शुष्क, यानी कि बिल्कुल जो गर्मी होती है वो वाला मौसम, जो बिल्कुल परफेक्टली जो गर्मी होती है उस मौसम के अंदर ये फसल बोई जाती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर गर्मी को सहन करने की क्षमता पाई जाती है, जो जायद की फसलें होती हैं उनके अंदर गर्मी को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। इस वर्ग में मुख्यतः खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरे आदि जो हैं वो इस मौसम में बोए जाते हैं। कब, जब गर्मी होती है, और गर्म शुष्क मौसम को ये अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं जायद की फसलें जो हैं वो। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रकार में परिभाषित करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल, हर प्रकार का कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं जो फसलें हैं वो देख लेते हैं। तो हमने ऋतु के आधार पर अभी देख लिया, रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसिम, जिरगा, हरे चारे की खेती, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाही, जेई, सूरजमुखी आदि जो है, ये किसके उदाहरण है, ये है रबी की फसल के।
इसी प्रकार से अगर हम देखें कि जायद की फसलें जो है उसके अंदर क्या क्या शामिल है, तो वह है कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, तोरई, मूंग, खीरा, मिर्च, टमाटर आदि। ये किसके उदाहरण है? यह है जायद के। इसी प्रकार से अगर खरीफ की फसल जो है उसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो ये दिमाग में आप दिमाग में रखें गेहूं। गेहूं तो है सर्दी वाला, सर्दी का मतलब रबी की फसल। फिर है बाजरा, बाजरा है गर्मी वाला, गर्मी के मतलब खरीफ की फसल। और ऐसी फसलें जो शरीर के अंदर अधिकांशतः पानी की कमी दूर करने के लिए खाई जाती हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज और अपने जैसे टमाटर, खीरा, ये जो चीज़ें हैं ये कौन सी हैं? जायद की, जो बिल्कुल गर्मी के अंदर बोई जाती हैं। अब बात कर रहे थे खरीफ की फसल कौन कौन सी है, तो धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शकरकंद, उर्द, मूंग, मोठ, लोबिया यानी कि चवड़ा, ज्वार, तिल, गवार, जूट, सनई, अरहर, ढेंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी आदि। ये किसके उदाहरण हैं? ये सब उदाहरण हैं खरीफ की फसलों के। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जीवन चक्र पर आधारित। हम वहां पे बात कर रहे थे कि ऋतु के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। अब बात करते हैं जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र का मतलब अगर कोई फसल जो है वो एक वर्षीय है तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे, कोई फसल जो है द्विवर्षीय है, कोई फसल जो है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का मतलब दो से अधिक साल। दो से अधिक साल का मतलब वो जीवन चक्र भी हो सकता है। जीवन चक्र का मतलब जैसे किसी फसल का जीवन चक्र 6 महीने है तो वो दो से अधिक हो गया। इस प्रकार से एक वर्षीय धान, गेहूं, चना, ढेंचा, बाजरा, मूंग, कपास, मूंगफली, सरसों आदि, शकरकंद, कद्दू, लौकी, सोयाबीन, ये कौन सी है? एक वर्षीय, यानी कि साल के अंदर एक बार ही बोई जा सकती है, या फिर एक साल के अंदर इनका जो जीवन चक्र है वो एक साल हो सकता है, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। द्विवर्षीय चुकंदर और प्याज, ये कौन सी है? द्विवर्षीय। बहुवर्षीय नेपियर, घास, रिजगा, फल वाली फसलें। उपयोगिता या आर्थिक आधार पर अन्य या धान्य फसलें कौन कौन सी होती हैं? अन्य धान होती हैं धान, गेहूं, जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा। फिर है नेक्स्ट तिलहनी फसलें, यानी कि जिनके अंदर तिल पाया जाता है, जिनका तेल निकाला जाता है, वो वाली फसलें वो है। ये तो है अन्य धान वाली फसलें, वो हैं जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, ये सब हो गया ना, जैसे गेहूं, धान, जौ, चना, मक्का, ये हम खाने, बाजरा, ये सब हम खाने, रोटी बनाकर जो खाते हैं, वो वाली धान वाली जो फसलें हैं वो वाली। फिर है तिलहनी फसलें, जिनका तेल निकाला जाता है, वो वाली फसलें कौन कौन सी हैं? सरसों, अरंडी का तेल, मूंगफली, सूरजमुखी, अलसी, तोरई, सोयाबीन आदि, राई, और ये सब जो क्या है? तिलहनी फसलें हैं, यानी कि इनका तेल निकाला जाता है। फिर है दलहनी, जो दालें होती हैं, जिनकी हम दाल बनाकर खा सकते हैं, वो वाली। चना, उर्द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, मूंगफली और सोयाबीन। फिर है मसाले वाली फसलें, जो हम मसालों के रूप में यूज़ लेते हैं। मसालों के रूप में क्या क्या यूज़ लेते हैं? अदरक, पुदीना, प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, सौंफ, हल्दी, काली मिर्च, इलायची और तेज़पत्ता। ये कौन सी फसलें हैं जो हम मसाले के रूप में यूज लेते हैं। फिर रेशेदार, रेशेदार का मतलब जिससे रेशा बनता हो, जिससे कपड़ा बनाया जा सकता हो, आगे फर्दर उसको प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जा सकता हो। जूट, कपास, सनई, पटसन और ढेंचा। फिर चारा, जिसको जो हमारी गाय या पशु जो हैं वो खाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? चारा फसलें। बरसीम, लुसर्न यानी कि जो रिजका होता है, नेपियर घास और लोबिया, ज्वार। फिर है फलदार फसलें, जिन पर फल उगते हैं, जिनके फलों को हम खाते हैं, वो है फलदार फसलें। कौन कौन सी हैं? वो हैं आम, अमरूद, नींबू, लीची, केला, पपीता, सेब, नाशपाती। फिर है जड़ एवं कंद, ऐसी फसलें जो जमीन के अंदर उगते हैं, वो वाली, जो जमीन के अंदर ही अंदर की तरफ फैलते रहते हैं, वे वाली। कौन कौन से? आलू, शकरकंद, अदरक, गाजर, मूली, अरबी, रतालू, टेपियोका, सलगम। उद्दीपक यानी कि ऐसी फसलें जिनको हम एक एनर्जी के रूप में लेते हैं, जैसे हम तंबाकू जो है, तंबाकू को पी देते हैं तो एक एनर्जी सी आती है, चाय पीते हैं कि एनर्जी सी आती है, तो शरीर के अंदर जो उद्दीपक का काम करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हमारे शरीर को, जैसे तंबाकू, पौष, चाय, कॉफ़ी, धतूरा, भांग।
शर्करा जिनसे चीनी वगैरह बनती है वो सब, चुकंदर और गन्ना दो चीज़ों से चीनी बनाई जा सकती है। औषधीय फसलें, ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं, यानी कि जो मेडिकल के अंदर काम में आ सकती है, पुदीना, मेंथा, अदरक, हल्दी, सफ़ेद मूसली और तुलसी। फिर है विशेष उपयोग आधारित, ऐसी फसलें जिनका विशेष उपयोग किया जा सकता है, कौन कौन सी, नगदी, अनंतवर्ती फसलें और मृदा रक्षक और हरी खाद। तो देखिए, नगदी फसलें, ऐसी फसल जो जिसकी डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे ही आप मार्केट में जाएंगे फसल को देंगे तुरंत आपको रिवर्स में कैश मिल जाएगा, यानी कि ऐसी फसलें जो मार्केट में उसकी काफ़ी डिमांड होती है। और जैसे गन्ना, चीनी बनाने के लिए चीनी उद्योग के अंदर गन्ने की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, गन्ने को जैसे ही ले जाएंगे आपको तुरंत उसके कैश रुपए दे दिए जाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नकदी फसल। आलू, तंबाकू, कपास, मिर्च, चाय, इनकी जो उद्योग होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से इनकी जो पैसे हैं वो हाथों हाथ मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है, आप नहीं देंगे तो कोई और देगा, किसी और को जाकर बेच देंगे, इसलिए ये वाला ही बोल देगा कि ये ले तुरंत पैसे और ये आपकी फसल को खरीद लेगा। तो ऐसी फसलों क्या बोलते हैं, नगद। अनंतवर्ती फसलें यानी कि कैच क्रॉप्स कौन सी होती है, उर्द, मूंग, चीना, लाही, सावा, आलू। और मृदा रक्षक, ऐसी फसलें जो सोइल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मृदा रक्षक फसलें। मूंगफली, मूंग और उर्द, शकरकंद, बरसीम, लूसन यानी कि जरिजका होता है, इनको अगर खेत के अंदर बोया जाता है तो जो क्वालिटी है मृदा की, जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो इम्प्रूव होती है, बढ़ती है, इसलिए इनको कम से कम साल के अंदर या दो तीन साल के अंदर तो एक या दो बार तो अवश्य ही बोना चाहिए। हरी खाद, मूंग, सनई, बरसीम, ढेचा, मोठ, मसूर, ग्वार, मक्का, लोबिया, बाजरा, बरसीम, ये जो है वो क्या है, हरी खाद के अंदर काउंट होते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहे थे कि आप इनके उदाहरण को समझ सके कि जो क्रॉप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, उनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।